नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करोड़ों भारतीयों के दिलों में भगवान की तरह बसने वाले सर्व दमन बैनर्जी जी की। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों का एक कन्फ्यूज़न दूर कर दें जो रह रहकर सामने आता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करने वाले ये दो कलाकार। ये दोनों अलग अलग हैं। एक हैं नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने B.R. चोपड़ा निर्मित महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाया था। महाभारत 1988 में DD नेशनल पर आया था। और दूसरे हैं सर्वदमन बैनर्जी, जिन्होंने रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा सीरियल में श्री कृष्ण का रोल निभाया था। दोनों ही रोल जबरदस्त थे। अगर आप महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले अदाकार नीतीश भारद्वाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वदमन बैनर्जी जी की, जानेंगे उनके जीवन का सफ़र, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में, वो भी क्या करते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, आपको बताएंगे सारी डिटेल्स। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सर्वदमन बैनर्जी का शो श्री कृष्णा 1996 में DD नेशनल पर आया और नेशनल क्रेज बन गया। शुरुआत में ये सीरियल सिर्फ 3 साल के लिए बनाया गया था, परंतु इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ये सीरियल 10 साल तक चला। इस सीरियल के हीरो सर्वदमन जी इस शो की बदौलत नेशनल हीरो बन गए। आध्यात्मिकता उनके चेहरे से बहती थी, ललाट पर दिव्य तेज, जुबान पर सरस्वती माँ और आवाज़ में जादू, यही इनकी पहचान थी। ये रोल दरअसल सर्वदमन जी शुरुआत में नहीं करना चाहते थे। वे बड़े पर्दे के अदाकार थे और TV पर नहीं आना चाहते थे। जब रामानंद सागर जी ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया तो वे आनाकानी कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक तो वो TV पर काम करना नहीं चाहते थे और दूसरा उनका मानना था कि वो शिव का रोल अदा कर सकते हैं, उनमें शिव हैं पर कृष्णा नहीं। पर जब रामानंद सागर जी ने उन पर जोर डाला तो उन्होंने साइन करने से पहले 10 दिन का समय मांगा। सर्वदमन जी बताते हैं कि ये 10 दिन उन्होंने आत्मचिंतन करने के लिए मांगे थे, और उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करके उनसे मांगा कि प्रभु, अगर मैं आपका रोल करने के लायक हूँ तो आप मुझे दर्शन दो, तभी वो ये रोल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद वे मुंबई में ऑटो रिक्शा में बैठकर बीच रोड पर जा रहे थे और उन्होंने समंदर में देखा तो उन्हें समंदर की हर लहर पर बाल कृष्णा दिखाई दिए। ये अद्भुत नज़ारा देखकर वो बेहोश हो गए। उसके बाद तुरंत वे रामानंद सागर जी के स्टूडियो गए और रोल साइन किया, और ये रोल इतना गजब का था कि सर्वदमन जी कृष्ण बनकर करोड़ों दिलों में बस गए। सर्वदमन बचपन से ही आध्यात्मिक और दूरदर्शी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरुआती शिक्षा कानपुर के सेंट अलोयसिस स्कूल में हुई। स्कूल से ही सर्वदमन जी ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, और 9वीं कक्षा से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे आगे चलकर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया और वहां से ग्रेजुएशन की। एक्टिंग की पढ़ाई खत्म करते ही 1981 में इन्होंने फिल्म की आदि शंकराचार्य, जो कि रिलीज हुई 1983 में। इस फिल्म के लिए सर्वदमन जी ने 2.5 साल तक सिर मंडवा के रखा और इस कदर रोल में घुस गए कि ये सामान्य जीवन में भी नंगे पांव ही चलते थे। इनकी मेहनत रंग भी लाई और फिल्म आदि शंकराचार्य को नेशनल अवार्ड भी मिले। इसके बाद सर्वदमन जी ने बड़े पर्दे पर दर्जन भर फिल्में की, जिनमें ज़्यादातर उन्होंने धार्मिक रोल ही निभाए। छोटे पर्दे पर भी उनका काम लाजवाब रहा और उन्होंने बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स में काम किया। शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनकी एक्टिंग की दुनिया से रुचि खत्म हो गई। अंतिम बार सर्वदमन जी दिखे मूवी MS धोनी में, जिसमें उन्होंने सुशांत राजपूत के कोच का रोल अदा किया। और अब नज़र डालते हैं सर्वदमन जी की पर्सनल लाइफ पर। सर्वदमन जी का जन्म हुआ 14 मार्च 1965 को, और अभी वे 55 बरस के हैं। जब उन्होंने श्री कृष्णा का रोल निभाया था तब वे 30 बरस के थे। उनकी शादी हुई सुनीता से, जो कि डॉक्टर हैं। सुनीता आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से गायनोकोलॉजी में MBBS हैं। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है आलिका बैनर्जी। सर्वदमन और सुनीता की शादी 14 साल ही चल पाई और डाइवर्स हो गया। डाइवर्स के कारण का कुछ खास पता नहीं चल पाया, लेकिन सुनीता बैनर्जी मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहने लगी और इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली संजीव वाधवानी के साथ। संजीव वाधवानी एक म्यूजिक कंपोजर हैं, आपने उन्हें इस एड में देखा होगा। सुनीता ने हालांकि शादी के बाद अपना सरनेम सुनीता बैनर्जी ही रखा है, और अभी भी वे अपनी बेटी और पति संजीव वाधवानी के साथ मुंबई के अंधेरी में क्लिनिक चलाती हैं, जो कि लोखंडवाला में है, और क्लिनिक का नाम है एटर्नस क्लिनिक।
ये मुंबई का प्रीमियर होलिस्टिक एंटी एजिंग क्लिनिक है और सुनीता बनर्जी इसमें एस्थेटिक्स एंड एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट हैं। और अब बात करेंगे सर्वदमन जी की बेटी के बारे में, जो कि इनकी इकलौती बेटी हैं। डाइवर्स के बाद इनकी बेटी आलिका सुनीता बनर्जी के साथ ही रहती हैं और पेशे से वो भी डॉक्टर हैं। आलिका एटर्नल्स क्लिनिक में एंटी एजिंग न्यूट्रिशंस एंड एस्थेटिक्स स्पेशलिस्ट हैं। आलिका की शादी भी हो चुकी है 15 दिसंबर 2015 में और उनकी शादी हुई है मुंबई के मशहूर डीजे चेतस शाह के साथ। चेतस शाह वर्ल्ड के टॉप 50 डीजेज में गिने जाते हैं। तो ये थी डिटेल्स सर्वदमन जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। सर्वदमन अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते हैं। वहाँ उन्होंने अपनी एक महिला मित्र अलंकृता बनर्जी के साथ मिलकर पंख नामक एनजीओ खोला है। ये एनजीओ छोटे बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है। इसी साल 1 मार्च को सर्वदमन जी ने ऋषिकेश में योगा सेंटर भी खोला है। इस योगा सेंटर का नाम उन्होंने लाइट हाउस रखा है। यहाँ पर सर्वदमन जी सुखी संपन्न जीवन यापन की ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम जानकारी हम सबके फेवरेट श्री कृष्णा यानी कि सर्वदमन बनर्जी जी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।